प्रॉब्लम आए? देखिए, देश में जो डीजल पेट्रोल के पर डे जो पैसे बढ़ते जा रहे हैं, जनता इससे त्रस्त हो गई है। आप बताइए, डीजल 80 रुपए के आसपास पहुंच गया है। किसान जो बुआई इस समय कर रहा है, धान की बुआई चल रही है, क्या उस हिसाब जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या सरकार उस हिसाब से धान के फसलों के रेट देगी? नहीं देगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है इससे, और आम आदमी जिसे त्रस्त होते जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी पूरे देश में आज हर जगह पे रचनात्मक तरीकों से अपने विरोध प्रदर्शन दिखा रही है, दे रही है अपना, और सरकार से मांग करती है कि जो ये जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को लेके आ जाए, जो इनके चंद्र मित्र हैं, जो उनको फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता को लूटा ना जाए। देश की जनता ने आपका बहुत विश्वास करके, आप पे भरोसा करके, आपसे प्यार करके, मोहब्बत करके आपको सरकार बनानी है, आपको जिताया है, आपको केंद्र में बैठाया है, राज्य में बैठाया है, लेकिन आपको इस प्यार का बदला इस दुश्मनी से ना ले जनता से, क्योंकि जनता का मूड बदलेगा तो आपको एक दिन में सत्ता उतार के नीचे बैठा देगी। आपका कोरोना काल में, महामारी काल में सबकी रोजगार चले गए हैं, दुकानदारों की दुकानदारी नहीं हो रही है, तो आप बताइए 80 रुपए जो कॉस्टिंग, आप 300% प्रॉफिट कमा रहे हो, जनता से लूटोगे आप? अपनी जो आपकी जो नीतियां हैं, जो आपका मिसमैनेजमेंट है, इसके वजह से जो आप फेल हो रहे हो, तो लूट आपने जनता से मचा रखी है। ये कब तक चलेगा? इससे सारी जनता परेशान है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आप चौथे स्तंभ हैं, मीडिया चौथा स्तंभ है, इसको पुरजोर तरीके से उठाएं और जनता को राहत दिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद। निकलो बाहर मैदानों से, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, पेट्रोल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। अरे भैया, ये नीचे कर लो थोड़ा सा ना। जाना की निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से।